Season 1 has come to an end with the fitness icon of the country, Anna, coming as a mentor for all of us. Season 2 is about to get started, which is going to be even bigger. So stay tuned for the Season 2 of Guys, ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ टीजी टॉक्स में. सो आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ. सब्जेक्ट ये है कि आपको प्रशांत जैसी बॉडी, जो अगर आप देख रहे हो प्रशांत, प्रशांत को फ्लेक्स करना, प्रशांत जैसी बॉडी कितने टाइम में हो सकती है. और हम बात करेंगे, प्रशांत की एज 24 है और ये अपना पहला कॉम्पिटिशन खेलने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर. अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इनके जो कोच हैं यहाँ पे अमित भाई, इनका मैंने अगर आपको याद हो बहुत पहले इंटरव्यू भी किया था, पहले वो तो अमित भाई 2016 में, तो अमित भाई ने इनको तैयार किया है. तो ये कितने टाइम की तैयारी है, हम बात करेंगे सब चीज़ों की, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, सप्लीमेंट लेनी चाहिए. 24 साल का, पहले ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया हुआ, अब ट्रेनिंग स्टार्ट करी, कितना टाइम लगा इनको, और लेग्स भी काफ़ी सिमेट्रिकल है. मैं ये नहीं बोला लेग्स भी फ्लेक्स कर, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बॉडी आई फील. काव्स भी मुझे दिख रहे हैं कुछ कुछ, कि अच्छी लगी मुझे बॉडी. और मुझे लगता है कि एक अच्छा बेंचमार्क सभी लड़कों के लिए ऐसी बॉडी अचीव करना जो अचीव हो सकती है, मेहनत करें, अच्छी क्लीन डाइट. सो अमित भाई कॉन्ग्रेचुलेशन. पहले तो प्रशांत की तैयारी देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया भाई, देख के कि अमेजिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं. तभी मैंने कहा कि इनके साथ तो वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी है ये सब दिखाने के लिए. सो अमित भाई कैसे ये, मतलब कैसे करा ये सब? पहले तो लगन होनी चाहिए बच्चे में, उसके बाद अच्छी डाइट, अच्छे इक्विपमेंट्स, और मेहनती जो होगा वही आगे बढ़ पाएगा. इसमें मेहनत सबसे आगे है. तो प्रशांत बता, प्रशांत तुम, प्रशांत कब आए थे आपके पास, एक साल पहले? प्रशांत लगभग एक साल पहले मेरे पास आया. तो ये बहुत हल्का सा था, तो मैंने कहा इसे अभी तू बेटा कटिंग करेगा तो कुछ नहीं आएगा, क्या गुरुजी गेम खेलना है. तो शुरू से गेम खेलना था प्रशांत? अच्छा हाँ. तो गेम खेलना है, मैं कहा चलो करते हैं मेहनत. पता था गेम महंगा है, मैंने बताया काफ़ी महंगा गेम पड़ता है, डाइट बहुत महंगी है, सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं, प्रोटीन के डब्बे आपको पता है 5000 से नीचे तो कोई आता ही नहीं. Correct, yeah. तो उस तरह से मैंने इसे समझाया, कह रहा मैं जॉब भी करूँगा और मेहनत भी करूँगा. तो प्रशांत ने जॉब स्टार्ट करी. अच्छा, जॉब भी नहीं करते थे उस? जॉब नहीं करता था प्रशांत. अच्छा, हाँ. प्रशांत ने जॉब स्टार्ट करी है, उसके बाद किस चीज़ की जॉब? ये ट्रेनर, एज ए ट्रेनर. अच्छा, तो ट्रेनर की जॉब करी कि सपोर्ट कर सके. पहले थोड़ा हेल्पिंग में आया ट्रेनर में, फिर इस मेहनत इसकी रंग लाई तो ये बिल्कुल ट्रेनर बन गया. अच्छा, हेल्पर से शुरू से शुरू किया, हेल्पर से शुरू किया, हेल्पर से शुरू करने के बाद बॉडी की लगन से ट्रेनर बना और ऐसी बॉडी अचीव की. प्रशांत ने फिटनेस वाला कोर्स भी किया है, AFS एकेडमी से, एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंस. अच्छा, पढ़ा भी इसके बाद? पढ़ा भी है. कैसे? तो भाई ये जो बॉडी मुझे नज़र आ रही है, आई थिंक ये बहुत फिनोमिनल फिजिक है. एक साल की मेहनत है? एक साल की मेहनत है. एक साल की. और इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ भाई ऐसी बॉडी के लिए? खर्चा मोटा मोटा खर्चा पूछूं, मोटा मोटा मतलब लगभग दो लाख के करीब तो समझ लो, कम से कम दो लाख के करीब इसका खर्चा हुआ होगा. बिकॉज मुझे लगता है कि हम सारे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बिल्कुल ना हमारे फादर बहुत बिलियनर हैं, तो और मुझे पता है कि इसने नौकरी भी करी है, तो कैसे दो दो तीन तीन चार चार हज़ार की किल्लत होती होगी कि सब कुछ. मैंने एक वीडियो भी डाला था एक्चुअली, जिसमें मैंने बताया था कि बॉडी बिल्डर जो है कभी अपने कपड़ों पर पैसे नहीं खर्चता, सोचता है कि 3-4 हज़ार का कपड़े की बजाय मैं प्रोटीन का डब्बा आ जाएगा, यही सोचता है ना. तो ये बॉडी भाई, अब मुझे बताओ एक्सरसाइज सब, ये यहाँ पे है हमारा डेमो है एक तरीके से प्रशांत हमारा, गाइस यू नो दिस इज समथिंग दैट वी कैन अचीव इट. अब मुझे बताओ ये जो एक्सरसाइज है, जैसे मैं देख रहा हूँ इसके चेस्ट के फाइबर्स है, मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं अमित भाई की चेस्ट की सेपरेशन फाइबर्स, बिकॉज ये इसकी कैसी, मतलब पिक्चर्स तो होंगे तेरे पास पहले वाले जब हमने शुरू किया? पहले पिक्चर्स हम, मैं यहाँ पे पिक्चर्स डालूंगा गाइस, तो पिक्चर्स देखना कि कैसे शुरू किया और कहाँ से किस लेवल तक ये इतने में आ गया. तो लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट. चेस्ट के लिए भाई, ये चेस्ट की सेपरेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है? पहले तो चेस्ट ब्रॉड, प्रशांत की चेस्ट बहुत वीक थी, तो मैंने सबसे पहले चेस्ट पे, इसकी अपर चेस्ट बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सी थी, फ्लैट चेस्ट बोलते जैसे वैसे थी. तो प्रशांत को वर्कआउट करवाना शुरू किया, फ्लैट बेंच से ही शुरू करवाया, और इंक्लाइन बेंच पे मैंने इसका ज़्यादा ध्यान दिया, इंक्लाइन डंबल, इंक्लाइन फ्लाई,
ताकि प्रशांत की चेस सेपरेट होती हुई चली जाए। इससे पहले हाँ, मेरा एक सवाल रह गया बीच में, मैम चेस पे भी आते हैं कि लोग लड़कों का क्या रहता है ना, जब वो वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, काफ़ी लड़के भी सवाल ये करते होंगे कि जब आप शुरू करते हो तो सवाल ये होता है कि गेनिंग करें या बल्किंग करें पहले, आपके पास भी बहुत लोग पूछते होंगे कि, तो इसको आपने पहले कैसे से शुरू कराया गेनिंग के साथ, क्या क्या मतलब? इसको बिल्कुल पहले गेन कराया मैंने। गेन कैसे? गेन कराया इसको पहले मैंने डाला क्लीन डाइट पे बिल्कुल। डाइट इसकी ओट्स, अंडे, अंडे तो प्रशांत बहुत ही कम खाता था, बहुत ही कम, क्योंकि अंडे से यारी हो गई होगी अब तो। एक्चुअल में अंडे खाता ही नहीं था, ये पंडित है तो वेजिटेरियन था। अच्छा पंडित जी। अच्छा फिर तो उस चक्कर में बड़ी दिक्कतें आई। ब्रोकली आपको पता ही है ब्रोकली की कॉस्ट क्या होती है, 400 kg, तो उस हिसाब से डाइट में बड़ी दिक्कत, ओट्स और आपका रोटियां वगैरह सब खाई है प्रशांत ने। और फिर धीरे धीरे इसको अंडे पे लेके आया, उसके बाद इसको प्रोटीन खिलाना शुरू किया, इसने पैट से इकट्ठे करे, प्रोटीन खाया, फिर थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन आया इसका, क्रोमियम वगैरह आपका। कौन सप्लीमेंट्स, कौन कौन से लिए भाई? सप्लीमेंट्स प्रशांत के लिए काफ़ी सप्लीमेंट्स यूज़ किए, स्टेरॉइड तो यूज़ कर ही नहीं सकता था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे इसके पास। अच्छा हाँ, वो बड़ी दिक्कत आई। नेचुरल बॉडी भाई? हाँ नेचुरल नहीं है, इसमें आप प्रोटीन आ गए आपके, फिर बाद में क्रोमियम ऐड किया मैंने। प्रोटीन, क्रोमियम, क्रोमियम हो गया, एल-कार्निटाइन हो गया, एल-कार्निटाइन हाँ, और आपका CLA हो गया, सारे डाइटरी सप्लीमेंट जो भी इसकी रेंज में आ सकते थे। अच्छा तो आप कह रहे हो इसके अंदर कुछ सामान नहीं गया? कुछ नहीं गया, नहीं सामान गया है। अच्छा बट उस लेवल का नहीं गया। बट आई एम हैप्पी अमित भाई कि आपने ऑनेस्टी से बात बोली गाइज, बिकॉज गाइज ये एक सच है जो जो आपको कम तैयारी करनी होती है, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, बट डू इट अंडर गाइडेंस। इनके पास अमित जी की गाइडेंस थी, बिकॉज ये खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो इनको पता था कैसे किसी को तैयार करना है, राइट। मैं अमित जी का इंस्टाग्राम पे है आप जी, मैं अमित जी का इंस्टाग्राम डाल दूंगा, एनी क्वेश्चन जो है आप अमित से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कैसे तैयारी करानी है। इनका जिम भी फरीदाबाद में, सो यू कैन गेट इन टच विद, जो भी आपके सवाल हो, बट लेट्स टॉक अबाउट प्रशांत। अच्छा फिर आपने बल्किंग से स्टार्ट करा, खिला जितना हो सके इसको, जितना हो सके खिला, मतलब इसे बोला गया था जब भूख लगे तब खाना है, लेकिन हेल्दी खाना है, कई बार भूख नहीं होती ना लेकिन खाना है, लिख दिया टाइम में तो खाना है। अच्छा तो जैसे हमने सीखा कि खाने से ही बॉडी बनेगी, लिफ्ट करने से ही बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वजन उठाया जाओ और आपको इफेक्ट ना आए। मेरे को तो जंक फूड का शौक था, बहुत जंक फूड का शौक था भाई। थोड़ा इसका ये मैरिज हो रहा है, बिकॉज़ मैरिज इसलिए हो रहा है कि हम दो लड़के बात कर रहे हैं, इसको नंगा खड़ा करा हुआ है, एसी भी चल रहा है, इसको ठंड भी लग रही है, इनका कॉम्पिटिशन भी आने वाला, सॉरी भाई ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। बट बहुत ज़रूरी है तुम्हारा लोगों को बताना, अमित भाई का बताना लड़कों को। ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग से कैसे शुरू किया, क्या मतलब, बिकॉज ये तो रॉ था एकदम, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं करी हुई, डाइट भी सही नहीं है और पहले की कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो कैसे शुरू करा इसको? मैंने पहले फ्लैट बेंच, चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच हो गया सबसे मेन होता है, जिम में जाते ट्रेनर क्या करते हैं सबसे पहले फ्लैट बेंच ही लगता हुआ लगवा, लेकिन कितनी रेंज में, कितने मोशन पे, कितने लगवाया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा नहीं है मैं इसमें 200 किलो का बेंच बना, मैं इसको 60 किलो में भी करवाता हूँ। अच्छा और मैं इसको 80 से ऊपर तो कभी लेके नहीं गया, 80 केजी में। एक साल की तैयारी में 80 इसकी मैक्सिमम बेंच प्रेस है, 80 की मैक्सिमम बेंच प्रेस है। वाओ, और इसी में मतलब वही ना, उसी में मसल टू माइंड, माइंड लेकिन चलाना कैसे है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, वो मेन चीज है। तो इसमें कितनी हैवी वेट रहे अमित भाई, ज्यादा हैवी वेट नहीं रहे इस बॉडी में? नहीं ज्यादा हैवी वेट नहीं, ज्यादा हैवी तो ज्यादा फोकस रेपिटेशन, फोकस रेपिटेशन पे, कितने रेपिटेशंस पे। अगर हम गेन करते हैं, बात आती है चेस्ट की, तो हम पहला सेट लेते हैं हैवी ताकि मसल फाइबर एक्टिवेट हो जाए। अच्छा उसके बाद हम इसको लो पे लेके आए थे। अच्छा तो आप हैवी से स्टार्ट करते करते, मतलब हाई रेपिटेशन से स्टार्ट करके। अच्छा वेट हैवी नहीं, हाई रेपिटेशन, लो वेट हाई रेपिटेशन, ताकि मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो। ऐसे चार सेट लेते हो आप? ऐसे चार सेट की रेपिटेशन के, जैसे अगर 20 रेपिटेशन ले रहा हूं मैं तो चार सेट 20 नहीं, चारों 20 के नहीं, फिर लो पे लेके आते हैं, वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा, हमें पता लगता है कि हमने कितनी स्ट्रेंथ पे 20 रेप निकाले हैं, तो हम कितना वेट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 किलो का ये फ्लाइज मार रहे हैं हमारे प्रशांत भाई, तो 10 किलो पे इन्होंने 20 रेपिटेशन निकाले पहले सेट पे, तो दूसरा सेट जो होगा वो 12 किलो पे होगा? नहीं, ये दूसरा सेट कम से कम 15 किलो पे होगा। अच्छा, तो वेट बढ़ेगा और रेपिटेशन रेपिटेशन घटेगा। अच्छा अच्छा, तो ये ओवरलोड है, वेट बढ़ाते रहो और वो करते रहो। तो गाइस ये बात याद रखिएगा, तो चेस्ट से आपने फ्लैट पे फोकस करा। आर्म्स का भाई, आर्म्स पे फ्लेक्स करके देखो प्रशांत, आर्म्स भी अच्छे हैं, आर्म्स का साइज भी अच्छा है उसके लिए भाई। आर्म्स का आप जैसा लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आएगा मेरे पास, भैया बस बाइसेप्स का साइज बढ़वा दो, 1 इंच बढ़वा दो, उन्हें ये नहीं पता कि 1 इंच साइज कितने दिन में बढ़ता है। कितने दिन में बढ़ता है भाई? मतलब दिनों में नहीं बढ़ता, सालों में बढ़ता है। तो उसके लिए ओवर ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर आर्म्स को हम 2 बार भी वीक में ट्रेन करते हैं तो वो भी काफी होता है। अच्छा, लेकिन तो मैं प्रशांत को सिर्फ 1 बार की ट्रेनिंग पे लेके गया, हफ्ते में एक बार बस, बोथ बाइसेप ट्राइसेप फोर आर्म्स, बाइसेप ट्राइसेप फोर आर्म्स, नहीं फोर आर्म्स थ्राइस ए वीक, काफ्स थ्राइस ए वीक, आर्म्स एक बार, फोर आर्म्स और काफ्स थ्राइस ए वीक, काफ्स पे भी आते हैं। हाँ। और शोल्डर का भाई कैसा रहा अमित भाई इनका शोल्डर? इसको मैंने डेल्ट पे काफी फोकस किया, थोड़े ट्रैप्स थोड़े अंडरप्राइवेज लग रहे हैं मुझे वो, क्योंकि पहला साल है, पहला पहला साल है,
तो आपने पहले साल में मुझे भी देखा था कि नया बंदा नहीं है। हाँ, अमित के बारे में बताऊँ, ये डबल हो गए हैं। मुझे याद है जो पहले बिल्कुल ऐसे थे, 2016-17 में इनका इंटरव्यू करा, अभी डबल हो गए, तो हम श्योर प्रशांत भी वही करने वाला। बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, तो उसके आपने रेयर पे ज़्यादा फोकस करा। और लेट्स टॉक अबाउट एब्स भाई, जो उसको सबके बारे में जानना है, ये एब्स का राज बताओ भाई। एब्स को तो आप खुद भी एब्स के पहले से दीवाने, और आपकी वीडियोज भी आती रही, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा है कि काबिले तारीफ। थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। तो उसको देख के आपको पता है कितनी ग्रीन लाइट चाहिए एब्स के लिए, कि आदमी एक दिन की भी चीट नहीं कर सकता। लेकिन भाई इसकी क्वालिटी ऑफ एप्स बहुत अच्छे हैं। मेरे क्या, मैं तो चलो मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं इनके साथ, मैं तो कह रहा हूँ क्वालिटी ऑफ एप्स होने बहुत जरूरी है भाई। मेरे को एक तो सबसे बात तीनों नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये अभी नॉर्मल है, कॉम्पिटिशन से भी थोड़ा टाइम है, तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत एस्थेटिक लग रही है बॉडी। तो एप्स में क्या क्या करा है क्लीन डाइट के? एप्स में इसको मैं हाई रेपिटेशन पे लेग रेज ज़्यादा करवाता हूँ। लेग रेज, तो आपका मतलब इस एप्स में फोकस ज़्यादा हैंगिंग लेग रेज ज़्यादा लगवाई इससे, जितना हो सके लोडेड वेट बांध के, वेटेड हैंगिंग लेग रेज। वो किसके लिए है? वो लोअर के लिए, लोअर के लिए, क्योंकि अपर तो हमारा वैसे ही एक्टिवेटेड होता है उसमें, और जिनका होगा आप देखोगे वैली फैट होगा, सबसे पहले वही खत्म करना होता है। तो कितना टाइम लग गया इनको खत्म करने के लिए? सारा लगभग 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने में सारा बिल्कुल क्लियर अभी निकले, या एब्स मतलब अपने आप धीरे 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 एक साथ? अच्छा। नहीं, धीरे धीरे लेके आए। अच्छा, धीरे। और इसके साथ नीचे लेग्स पे, लेग्स का भाई? लेग्स का मेन पार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में 60% लेग्स के ही पॉइंट है। हाँ, वही तो उस पर मैंने बहुत ध्यान दिया, खड़े होकर लेग्स कराए इसको। अच्छा, तो लेग्स तो हैवी थे, स्क्वाट्स हैवी करा है? स्क्वाट्स हैवी करा है, स्क्वाट्स हैवी करा है। ओवरऑल बॉडी, अपर बॉडी लाइट वेट रखी है रेपिटेशन बेस, और लोअर बॉडी पे हैवी फोकस, हैवी फोकस। जी जी, मतलब यहाँ उल्टा करा आपने? यहाँ थोड़ा सा उल्टा करा है, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरुओं से मिला, जैसे मेरे गुरु हरीश जी ने मुझे सिखाया कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो थाइज में हैवी होते हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए हाई रेपिटेशन चाहिए। हाई रेपिटेशन चाहिए? हाँ। अच्छा, लेग्स में हाई वेट? लेग्स में, लेग्स में सिर्फ, लेग्स में भी वेट? लेग्स में। अच्छा, तो वेटेड उतना वेट डालने की जरूरत नहीं कि आपकी बॉडी भी सपोर्ट ना कर पाए। अच्छा, जितना आप इजीली उठा सको उससे आप रेपिटेशन निकालोगे तो भी थाई का साइज आएगा। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि इसे सुपर हैवी मारे, ये नहीं कि इसे सुपर हैवी मारे के 250, और उसके बाद आप देखते हैं इंजरीज भी कितनी होती है। तो आदमी को अपनी पहुंच से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप अगर 80 से बना सकते हो तो आपकी लेग्स 80 से भी बनेंगी। तो कितना इनका लेग? इसका मैक्सिमम 110 से 120। 120 स्क्वायर। वाओ, तो मतलब आपने फोकस, और काव्स में तो काव्स भी डेवलप लग रहे हैं थोड़े थोड़े, काव्स में भी काम करा आपने? हाँ। काव्स हफ्ते में कितने दिन? हाँ, 3 दिन। अच्छा, अल्टरनेट डे काव्स हर हफ्ते की? भाई ये ना पीछे रह जाए, ये ना पीछे रह जाए। और एब्स हफ्ते में कितने दिन? एब्स भी अल्टरनेट डे, एब्स भी अल्टरनेट डे, काव्स भी अल्टरनेट डे, और फोर आर्म्स भी। हाँ, जैसा आपने अपने वीडियोस में बताया कि रोज अगर किसी चीज को खाएंगे तो वो खराब लगने लग जाएगी, वो मरने लग जाएंगे, ग्रो ही नहीं करेगी ना भाई, ग्रो ही नहीं करेगी। आप रोज दाल खाओगे, दाल से भी बोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। वाह वाह वाह। तो अब ये इसको मेंस फिजिक खिला रहे प्रशांत को? नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग 50-60 kg। ये तो मेंस फिजिक की भी लुक बहुत अच्छी है इनकी। तो लेकिन प्रशांत की आप देखेंगे ना, बैक बहुत ज्यादा ब्रॉड है। बैक के बारे में बात तो करी नहीं हमने। हां, तो प्रशांत की बैक काफी अच्छी है, बैक। हालांकि इस बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि लेग्स बनानी पड़ती है। मेंस फिजिक तो आपको पता है बर्मुडा वाला होता है, तो छुप जाते हैं लेग्स, छुप जाते हैं। लेकिन ये तो इसको शौक भी बॉडी बिल्डिंग का था। अच्छा, प्रशांत बॉडी बिल्डिंग का शौक? बॉडी बिल्डिंग का शौक, बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अच्छा, तो बट यही ना, मैं तो देख के मैंने कहा यार दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल गाइस, कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाह रहा था गाइस, कि किसी मेहनत लगती है, क्या लगती है, सप्लीमेंट्स के बारे में आपको पता लगा, डाइट के बारे में। तो डाइट में क्या रखा आपने भाई कटिंग के टाइम पे? मतलब पूरी इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें 60-70% डाइट काफी डाइट जी जी बिल्कुल। उस वो डाइट में कौन कौन से ऐसा चीज़ें हैं जो, क्योंकि लड़के कह रहे हैं इस वीडियो को देख के वो थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश? एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मैं जो फोकस करता हूँ ना, वो ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या ले सकते? जैसे मॉर्निंग में आप बॉयल वेजिटेबल खाएं हर मील के साथ, क्योंकि अंडा इतना हैवी होता है उसको बचाने के लिए बॉयल वेजिटेबल। छोटे हो सकते हैं, ग्रिल्ड हो सकते हैं, बॉइल्ड नहीं, बॉइल्ड, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल इज द बेस्ट। अच्छा, हो तो सब कुछ सकता है, रिजल्ट वो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। बाकी सबके नजरिए अलग अलग है, मेरा अलग है। बिल्कुल। अच्छा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमाया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको भी ऐसा ही मिले जो मैंने सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल, और मैं दोपहर को रॉ सलाद, जितना भी रॉ सलाद हो सके मैक्सिमम। सलाद में क्या क्या? सलाद में आप खीरा, ककड़ी, जो भी आप लेना चाहें, जो भी खाना चाहूँ। अच्छा, और उसके बाद नाइट में फिर से बॉइल्ड वेजिटेबल। अच्छा, हर मील के साथ की कितनी क्वांटिटी रही है पूरे दिन में? चिकन को पूरे दिन में 600 से 700 ग्राम, और फिश अलग से या अलग उसी में? अच्छा, 600 से 700 ग्राम, आधा चिकन ले लो, आधा फिश ले लो, आधा फिश ले लो। अच्छा, 600 से 700 ग्राम में ये रहा मैक्सिमम। अच्छा, सो अगर मैं इसको वीडियो को समराइज करूँ,
एक साल में ऐसी बॉडी, इसका खर्चा 2 लाख रुपए, राइट, मोटा मोटा, जी जी मोटा, जिसमें एक्सटेंसिव जबरदस्त मेहनत, 24 साल का लड़का जिसने कभी जिम नहीं किया ज्यादा, कभी नहीं किया, और पहली बार जिम में आके एक साल में ग्रो कर लेता है। एक साल में ग्रो करने के बाद सप्लीमेंट्स एल कार्निटीन, सीएलए, क्रोमियम, वे प्रोटीन, बीसीडब्ल्यू भी था, हां बीसीडब्ल्यू भी था, बीसीडब्ल्यू, और भी कुछ हम मिस कर रहे हैं? ये थे, गेनर भी चलाया था इसका शुरू में क्योंकि वो बहुत जरूरी था, मसल बहुत वीक था शुरू में जब, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा इसका लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अमित भाई ने बताया हमें, जब भी आप नया जिम में जाते हैं हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट विद पुटिंग ऑन मसल। ये नहीं कि शुरू में जाते मुझे एब्स चाहिए, कटिंग कटिंग कटिंग, तो आप बिल्कुल चुस जाओगे, मसल बिल्कुल होगा नहीं, यही बोलेंगे बिल्कुल राइट। तो और लास्ट मैसेज अमित भाई सबको बोलना चाहेंगे, बिकॉज प्रशांत ने तो मुझे तो बहुत, मुझे लग रहा है फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस लड़के का, एक साल में जो ये कर दिया है इसने, हम श्योर ये है नेक्स्ट भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप लड़कों को जो प्रशांत जैसी बॉडी चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा सही ट्रेनर और सही गाइडेंस में अपना वर्कआउट करें, ताकि आपको पैसे भी ज़्यादा ना खर्च करने पड़े और लुटने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े और ओवर ट्रेनिंग भी ना करनी पड़े। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भागते रहो, वो भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मैं अगर इसका मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, महीने के 15,000 से 20,000 रुपये जी है ना, इस बॉडी इसमें डाइट वाइट सब इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है ना, 10,000 से 15,000 रुपये का, विच इज़ आई थिंक, अगर आपको बॉडी का शौक है कुछ है और प्लस ये कंपटीशन भी खेलेंगे उससे भी थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, थोड़े हम भी कोशिश करेंगे कि यू नो टीजी कनेक्ट के माध्यम से जो भी हम प्रमोशन करते हैं, यू नो प्रशांत शुड गेट सम प्रमोशन, कुछ इसको ब्रांड मिले, लोग आगे आएँ, दैट्स व्हाट मैं इसलिए तो करता हूँ भाई, आपको पता ही है राइट। सो दैट्स द आइडिया गाइस, आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, और ऐसी बॉडी विच इज़ वेरी प्रेजेंटेबल। लास्ट टाइम पोजिंग प्रशांत, एक बार हो जाए पोज, डबल बाइसेप पोज, ऑन दिस पोज गाइस, मैं आपसे लूँगा फिदा, अमित भाई को बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऐसी बॉडी के लिए, यू नो आई एम श्योर काफ़ी लड़कों को सीख मिली होगी। ये प्रशांत यह पोज कर रहे हैं और मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो।